डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 7.9 को पढ़ रहे हैं। 7.9 में क्वेश्चन नंबर 15 तक के कंप्लीट किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में है 1 से 2 तक के लिमिट और 5x² डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x + 3 इंटू डी एक्स। देखिए, ऊपर भी द्विघात समीकरण है, नीचे भी द्विघात समीकरण है। तब हम लोग क्या जानते हैं कि जब ऊपर और नीचे पावर अगर सेम है, ऊपर भी द्विघात और नीचे भी द्विघात, तब हम लोग भाग करते हैं। भाग करेंगे तो 5 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5x². 5 को 4 से गुना करेंगे, 5×20x। 5 को 3 से करेंगे, 5×3 = 15। तो इसको इसको कट जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा -20x - 15। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य क्या है, 5x², भाजक क्या है तो x² + 4x + 3, ये भाजक है, गुने भागफल, तो गुने भागफल 5 है, प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है, -20x - 15। तो इसलिए हम इसके जगह पर इतना रख सकते हैं। तो अगेन कीजिएगा, अगेन 1 से 2 लिमिट था, ऊपर जो 5x² देख रहे हैं इसके जगह पे इतना रख सकते हैं, कितना भाई, तो x² + 4x + 3 गुने में 5, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 15 + 20x, और सबके बट्टा में कौन सी, तो x² + 4x + 3 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे, यानी कि 1 से 2 हो जाएगा, और इसको इसको अलग करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, खाली बचेगा 5 dx, नहीं और माइनस, 1 से 2 लिमिट रहेगा और इसका वैल्यू 15 + 20x रहेगा, 15 + 20x, और बट्टा में द्विघात समीकरण रहेगा x² + 4x + 3 इंटू डी एक्स। अब इसका तो हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे आराम से, इसको लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसका कैसे करेंगे, तो इसको मान लेंगे हम लोग I2। I1 तो हो जाएगा, 5 बाहर निकाल लीजिएगा, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट पुट कर दीजिएगा। अब इसका कैसे करेंगे, तो ऊपर में कितना है भाई, तो ऊपर में है हम लोगों का 15 + 20x, 1 से 2 लिमिट हो गया, इसको 20x + 15 लिख सकते हैं, और बट्टे में x² + 4x + 3। यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे, बाहर हो जाएगा, तो 1 से 2 5×20x + 3 4x + 3 हो जाएगा, बटा में x² + 4x + 3 इंटू डी एक्स। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऊपर अगर रैखिक समीकरण रहेगा, नीचे द्विघात समीकरण रहेगा, तो हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 4x + 3 बराबर कैपिटल A इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन कुछ ही होगा 2x + 4 और प्लस में B। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4x + 3 और 2ax + 4a + b, यानी कि हम आपको 7.4 में पढ़ा चुके हैं ऐसा कि अगर ऊपर रैखिक समीकरण रहेगा और नीचे द्विघात समीकरण रहेगा, तब हम लोग इसी फॉर्म में तोड़ते हैं। अब इसका x का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 2a है, तो a का वैल्यू निकल गया यहाँ से कितना, 2, और यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट 4a + b है, तो 4 × 8 हो गया, और 3 में से 8 गया तो कितना बच गया, -5, तो v का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक है, तो a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -5 हो गया, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का a और b का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे, कौन सा काम भाई, तो यहाँ से अगेन करेंगे हम लोग, तो यहाँ बनेगा 5 तो ऑलरेडी है, 1 से 2 है, ऊपर के जगह पे कितना रखेंगे, 4x + 3 के जगह पे ये था ना हम लोगों का, तो a के जगह पे रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2×2x + 4 और प्लस बी, तो b के जगह पे -5, और बट्टा में कितना था, x² + 4x + 3 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे, 5 है
अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 2 यहाँ हो जाएगा 2 और 2x+4 बट्टा x² + 4x + 3 dx और माइनस 5/x² + 4x + 3 और 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए इसका तो कर लेंगे हम लोग, नीचे वाला को टी मानिएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा हम लोगों का, नीचे वाला टी मानिएगा तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 को बाहर कर लीजिएगा। लेकिन इसका कैसे करेंगे, तो अब इसको करने के लिए हम बताए थे कि ऊपर 1 रहे और 5 जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ ऊपर 1 बच जाएगा, तो 1/2 में नीचे द्विघात समीकरण रहता है, तो एक फार्मूला हम बताए थे ना कि अगर द्विघात समीकरण रहता है तो उसको x² और a² में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि a रखते हैं फिर ब्रैकेट x-x+b/2a² + c/a-b² / 4a² ऐसे करके एक रूल था। उस पर नीचे वाला को हम क्या करेंगे, x² और a² में इसको तोड़ लेंगे और तब फार्मूला पर आ जाएगा, तब जाके लिमिट पुट करेंगे। और इसको इसके लिए क्या करेंगे, इसको सब्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा, x² + 4x + 3 को t मान लीजिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है dx के साथ तो dt हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ के बाद आपको यहाँ पे टफ पड़ेगा, क्योंकि इसको करने के लिए आपको x² और a² में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज कर लिए तो फार्मूला पर आ गया, फार्मूला पर उसको तोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जो है आपको अच्छे तरीके से करना है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। 16 में हिंट्स कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में है 0 से लेकर π/4 तक के लिमिट है और ब्रैकेट में है हम लोगों का 2 sec² x + x³ + 2 और इनटू में dx, ठीक है। जब अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो होगा 0 से π/4 2 sec² x dx प्लस 0 से π/4 xq dx प्लस 0 से लेकर π/4 2 dx, ठीक है। अब 2 यहाँ कांस्टेंट है, 2 को कहाँ कर लेंगे, बाहर, और sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो 0 से लेकर π/4 यानी कि x के जगह पे π/4 रखिएगा। xq का क्या होगा, तो x^4/4 और इसका लिमिट रख दीजिएगा 0 से π/4 और 2 dx, तो 2 का तो 2 बाहर निकल जाएगा, इसका x हो जाएगा, तो 0 से π/4 तो बहुत ईजी है। अब इसके आगे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, अपर लिमिट पहले x के जगह पे रखेंगे और tan π/4 आएगा तो उसका वैल्यू 1 रख दीजिएगा, टेन 0 का 0 आ जाएगा, यानी इसको अपने तरीके से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत इजी में बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 0 से लेकर π है, ठीक है, और फिर क्या है, sin² x/2 है -cos² x/2 है और पूरा dx है। हम इसको क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा पहले cos² x/2 -sin² x/2 और इनटू dx। और एक फार्मूला होता है cos x का फार्मूला होता है cos² x/2 -sin² x/2, तो इसलिए हम लोग इसीलिए यहाँ पे कॉमन किए ताकि इसका फार्मूला रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, cos x dx, ठीक है। इसका फार्मूला होता है cos x, तो रख दिया cos x। अब माइनस तो माइनस है भाई, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, और लिमिट कर दिया 0 से π, ये माइनस तो माइनस रहेगा। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट x के जगह पे रख दीजिएगा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, तो 19 में बोला जा रहा है कि 0 से 2 लिमिट है, ठीक है, और 6x+3 है डिवाइडेड, और नीचे है x² + 4 dx, ठीक है। इसको ना हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करने से फ़ायदा क्या होगा, देख लो, 0 से 2 एक आ जाएगा 6x/x² + 4 dx और प्लस 0 से लेकर 2 3/x² + 4 dx। यहाँ से ना आप 3 कॉमन कर लो, तो 3 कॉमन करेंगे तो 0 से 2 ऊपर हो जाएगा 2x x² 4 + dx और यहाँ से 3 को बाहर निकाल लीजिए तो 0 से 2 1 बाई
एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फोर को लिख सकते हैं ना टू का स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला पर आ गया भाई, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लिए इसको। अब इसको आप देख पा रहे होंगे तो लिमिट इसको लेट क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर को मान लेंगे जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, टी मान लेंगे सॉरी। तो ऊपर तीन तो तीन रहेगा, जीरो से टू हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स को हो जाएगा ऊपर डी टी, टू एक्स डी एक्स को डी टी और नीचे कितना टी। तो थ्री वन बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, लिमिट जीरो से लेकर टू तक। और टी तो नहीं रखेंगे यहाँ पर, टी किस को माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अब इसका लिमिट रख देंगे जीरो से टू, तो इसका निकल जाएगा और प्लस में है थ्री और वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे तो एक्स है, ए के जगह पे टू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है वन बाई ए, तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई टू और लिमिट इसका चढ़ा देंगे जीरो से टू तक। इसका हो जाएगा थ्री बाई टू और इसका लिमिट पुट कर दीजिएगा टेन इनवर्स, एक्स की जगह पे टू रखना है तो टेन इनवर्स टू बाई टू माइनस टेन इनवर्स जीरो। तो टेन इनवर्स टू से टू कट गया तो वन, तो टेन इनवर्स वन का वैल्यू आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं पाई बाई फोर, इसके जगह पे पाई बाई फोर माइनस जीरो और इसको थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर इसको कर लीजिएगा और फिर ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये था 19 नंबर। और बाकी का आप तीन क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 20 21 22, ये तीन क्वेश्चन बच गया है, इसको कर देंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जितना क्वेश्चन हम अधूरा बताकर छोड़े आप इसको जरूर पूरा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।